पृथ्वी से चांद की सतह तक कैसे पहुंचा चंद्रयान 3, आइए जानते हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है, लेकिन ये रातों रात संभव नहीं था। चांद तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 ने कई पड़ावों को पार किया। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक के सफर के बारे में। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई को वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट बढ़ाने की पहली प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 17 जुलाई, 22 जुलाई और 25 जुलाई को वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजने की प्रक्रिया पूरी की। 1 अगस्त को वैज्ञानिकों ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्रक्रिया पूरी की और चंद्रयान 3 ट्रांसलूनर ऑर्बिट में पहुंच गया। फिर 5 अगस्त को चंद्रयान 3 की लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद 6 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह के और नजदीक भेजने की प्रक्रिया की गई। 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल के प्रणोदन मॉड्यूल से अलग किया गया। 19 अगस्त और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग यानी कक्षा घटाने की प्रक्रिया की गई और लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा के और निकट पहुंच गया। और अंत में 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया।